गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। एनर्जेटिक। नाश्ता अच्छा था मतलब? बहुत बढ़िया। सो बहुत अच्छे तरीके से प्रशांत ने प्रोडक्ट के ऊपर, कैंप के ऊपर सारे सेशंस कवर किए, देख के बहुत गर्व महसूस हो रहा था, राइट? क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो मोटिवेशन पसंद है ना, जैसा कौन सा था, बीबी को बेस पसंद है ना, कौन सा है? जैसे अपने एसोसिएट को सिर्फ मोटिवेशन पसंद है, और ये चक्कर में लीडर भी जो स्टेज पे चढ़ता है वो भी अल्टीमेटली वही चीज देना पसंद करता है जो कि पब्लिक तालियां जिसमें बज रही। केंद्र जो सेशन दिया उसमें तालियां कम, बट जेब में तालियां खूब बजेगा अगर वो अप्लाई करेंगे, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए प्रशांत के लिए। आगे बढ़ते हैं। सोया था रात को ठीक से? सब पे आए? चलो, तो आप दो तीन चीज हमें डिस्कस करने का, कल भी मैंने बताया था, अभी हमारे पास 3 महीने बाकी है ना, और ये 3 महीने में सारे खेल है कि हमारे को अगले साल क्या कहा जाएगा, अचीवर और नॉन अचीवर। दो टर्म बहुत साफ है ना, मैं अचीवर हूं या नॉन अचीवर, साथ में सारे जो लीडरशिप बोनस से लेकर सब कुछ अपने सामने है। तो ये 13 वीक बहुत बढ़िया तरीके से हमें काम करना है, और काम करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। सबसे पहले हमारा जो काम शुरू होगा, किसी को भी हम टारगेट करेंगे कि सुपर स्मार्ट बनना है, तो सीधा सीधा आ जाता है 7200 माइल्स, है ना? और इन सब माइल्स की शुरुआत कहां से होगा? इन्विटेशन से, आइए ना। तो समझ आ रहा है? कल मैंने एक चीज बताया था आपको, याद है, एक सर्वे में क्या पता चला था कि दुनिया के सारे जो सेल्स पर्सन है वो कुल मिला के दिन में कितना टाइम काम करते हैं? 40 घंटे, समझ रहे? और वही वो टाइम जो टाइम हम इनवाइटी के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ देते हैं, बाकी टाइम गॉसिपिंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, अननेसेसरी काउंसलिंग, वो सारे काम से बिजनेस नहीं आता। बिजनेस आता है कितना टाइम हम इनवाइटी का साथ, नए लोगों के साथ स्पेंड करते हैं। समझ आ रहे? समझ आ रहे? अभी हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? टाइम कंपाउंडिंग का। क्या करने का? टाइम कंपाउंडिंग का मतलब, आज मैं अगर इस बिजनेस में दिन में 10 घंटा मेहनत करूं, आज से 5 साल बाद मेरे टीम में 10,000 घंटे काम हो, नौकरी करने वाला आज भी 10 घंटा काम करेगा, महीने में 25 दिन काम करेगा, तनख्वाह आएगा, आज से 5 साल बाद भी वो काम करेगा, इनकम आएगा, 25 साल बाद भी, रिटायरमेंट का आखिरी दिन तक वो काम करेगा, पैसा आएगा। इस बीच में वो बीमार पड़ा, इस बीच में उसके साथ कोई भयंकर हादसा हुआ, इस बीच में वो दुनिया छोड़ के चल बसे, इनकम नहीं आएगा, क्योंकि उसी की परफॉर्मेंस के ऊपर ही सिर्फ उसको इनकम आता है। लेकिन हमारा इंडस्ट्री का खूबसूरती क्या है, अगर हम मेहनत करके एक टीम बनाते हैं, एक टीम को खड़ा करते हैं, टीम के पीछे समय देते हैं, टीम ऐसे नहीं बनते हैं, टीम के पीछे लगातार समय देना पड़ता है, टीम को कोचिंग करना पड़ता है, ग्रोइंग कराना पड़ता है, उसको गाइडेंस देना पड़ता है। जैसे कि हम बच्चों को, हर माँ बाप बच्चे के लिए अपने सब कुछ कुर्बान क्यों करते हैं? एक तो प्यार, जिम्मेदारी, और दूसरे कहीं ना कहीं ये आस भी होता है, आज अगर मैं अपने बच्चे के पीछे, चाहे मैं महंगा साड़ी ना पहनूं, महंगे गहना ना खरीदूं, अच्छे जगह पे घूमने ना जाऊं, बल्कि मेरे बच्चों का अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा कोचिंग सब पे अगर मैं पैसा खर्च करूं, मेरा बच्चा एक दिन कामयाब बनेगा और मुझे बुढ़ापा में कोई चीज की तकलीफ नहीं होगा, हर सुख शांति चैन मुझे जिंदगी में मिलेगा। ये सब इसीलिए हम भी अपने एसोसिएट की परवरिश क्यों करना है, कि एसोसिएट जिस दिन मजबूत बनेगा, वो जिस दिन लीडर बनेगा, अच्छा काम करेगा, उस दिन मेरा भी अचीवमेंट, मेरा सक्सेस, सब कुछ अच्छा होगा, है कि नहीं? हेलो, है कि नहीं? ये चीज हमें याद रखना है। बट इन सब चीज की शुरुआत कहां से होगा? सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम कंपाउंडिंग तभी होगा जबकि आज टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। टाइम का दो चीज हो सकता है, समय, या तो उसको निवेश करो या तो उसको खर्च करो। आपके पास पैसा है, हर दिन सुबह होने साल के साथ साथ आपके अकाउंट में 10,000 रुपया आ जाता है, आपके पास दो रास्ता है, इन 10,000 की 10,000 खर्च कर दो, या तो इसमें से जितने जरूरत है उसको खर्च करो और बाकी को इन्वेस्ट कर दो।
तो समय को इन्वेस्ट करने टाइम पैसे को इन्वेस्ट करने से पैसा रिटर्न देता है। आज समय को इन्वेस्ट करेंगे तब तो एक दिन समय मुझे रिटर्न देगा। मतलब एक समय हमने समय को इन्वेस्ट किया, कहा दोस्त लोग मस्ती कर रहा है, कहा बाकी लोग गर्लफ्रेंड को लेके मजा कर रहा है, कहा फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी ये सब चल रहा है, पार्टी रैप रॉक डांस नाइट क्लब, मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग, कहा मेरा फ्रेंड लोग कर रहा है सेटिंग डेटिंग चैटिंग, और हम लोग कर रहे थे इनवाइटिंग प्रोस्पेक्टिंग डिटेलिंग स्ट्रेंजर मीटिंग। हेलो, समझ आ रहा है? वाकई में मैं मजे के लिए ऐसे बोलता हूँ, वाकई में शुरुआत में हम लोगों ने कि पहला 5-7-10 साल इसी तरीके से ही समय दिया बिजनेस को। इसके लिए आज ये मजा आता है, कर्नाटक में 6 महीने में एक बार आओ, महाराष्ट्र में मुझे पता है 50 डीडी जाएगा ही जाएगा, आसाम में एक बार 3 महीने में जाओ 100 डीडी हफ्ते का आएगा, उत्तर प्रदेश 2 महीने में 3 महीने में एक बार जमे से चलेगा 50 डीडी आएगा, एमपी गुजरात। लेकिन एक टाइम ऐसा नहीं, एक टाइम ऐसे मार्केट में आके एक एक इनवाइटिंग एक एक फीडबैक हम लोगों को बाइक लेके निकलना पड़ता था एसोसिएट के साथ। समय इन्वेस्ट किया, आज उसकी रिटर्न मिल रहा है। जब इन्वेस्ट किया था कहता था वही महीना भर पड़ा हुआ हूं महाराष्ट्र में 30 डीडी आया, आज दिन में 10 मिनट फोन में बात करने से दिन में 20 डीडी आता है। समय इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न मिलेगा। हेलो, समझ आ रहे हैं? Yes. तो फ्रेंड्स इस बारे में बहुत बहुत केयरफुल रहे, राइट? और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार ये ट्रेनिंग में बोलता हूँ, ये जो बिजनेस हमें मिला है जिंदगी का कौन सा मोड़ पे मिला है, कौन सा उम्र में मिला है, 20-22 से 23, इस उम्र का एडवांटेज क्या है? हारू एटीट्यूड, एनर्जी, एग्रेशन, कहीं पे भी सोने दो सो जाएंगे, कुछ भी खाने दो खा लेंगे, एडजस्टमेंट करने को कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर ट्राइग्लिसराइड सब कंट्रोल में है, कोई परेशान नहीं कर रहे, घुटने दर्द कमर दर्द दर्द है इसको कोई तकलीफ नहीं है। हेलो, यस सर, क्रिकेट में दो टाइप का खेल होता है, एक फ्रंट फुट में सौरभ गंगुली खेलता था स्टेप आउट करके छक्का, एक बैक फुट में सिर्फ डिफेंस कर दो। तो जिंदगी ये जो उम्र है 28-30 तक ये फ्रंट फुट में खेलने का पूरा देने वाला, इसलिए इस उम्र में हमारा मोबाइल का स्क्रीन सेवर पे फोटो कौन सा होता है? हायाबुसा, हार्ले डेविडसन, डुकाटी है कि नहीं, स्पोर्ट्स कार, डिजाइनर कार, जबरदस्त बंगले। एक 40 साल का आदमी का मोबाइल में क्या फोटो होता है? बेटे का, वाइफ का, फैमिली का। जिंदगी की प्राथमिकताएं बदलते रहते हैं। आज हमारे पास पैसे होंगे तो हम सोचेंगे कौन सा जगह पे दोस्तों को लेकर पार्टी करेंगे, कुछ भी बस बर्थडे क्या करने का, पार्टी करने का। ए, पार्टी नहीं दिया चलो होता नहीं होता, तूने गाड़ी लिया पार्टी नहीं दिया। और यही जब भाई साहब कुछ अचीवमेंट करेंगे सबसे पहले उनको फील होगा ये कब मैं अपना बच्चे को इसको बिठाऊंगा मेरे गाड़ी पे, पैसा है कुछ खाने को ये घर में लेके जाऊंगा सब लोग खाएगा तो कितना खुशी होगा, ये जिंदगी की प्राथमिकता है। चलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? Yes. और ऊपर होने के बाद उनको लगता है मेरा पोता पोती बट बेटा भी नहीं, तो बेटा खाना खाया नहीं खाया फर्क नहीं पड़ता नाना को, पोता वो ठीक है उन्हीं की से ज्यादा उनको खुशी नहीं। ये वो शेक्सपियर का ये है 7 ages ऑफ लाइफ, जिंदगी का हर एक टाइम पे हमारे प्राथमिकता बदलते हैं। बट द ब्यूटी है इस एज में हमारा एग्रेसिव ड्रीम होता है, सपने होते हैं। हेलो, समझ आ रहे हैं? Yes. इसीलिए मोबाइल की स्क्रीन से भर में, इसीलिए लैपटॉप की स्क्रीन से भर में ये सारे फोटोज होते हैं, इसीलिए हम सोचते हैं फॉरेन डेस्टिनेशन न्यूजीलैंड मियामी। हेलो, समझ आ रहा है? Yes. दुनिया की खूबसूरत जगह देखना, खूबसूरत कपड़े पहनना, खूबसूरत रेस्टोरेंट में खाना खाने को जाना, सही है? हेलो, समझ आ रहा है? Yes. This is the advantage of this age. लेकिन इस एज का सबसे बड़ा तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है, माइंड जो है रॉकेट से भी ज्यादा स्पीड से भाग रहा है। रॉकेट का तो फिर भी एक अच्छी बात है कि उसकी दिशा है किधर जाने का, इस उम्र में माइंड को कोई दिशा नहीं है, किधर भी वो भागता है, इसको पकड़ के रखना बड़ा मुश्किल है। चलो, समझ आ रहे हैं? इसका हिस्सा बांटा हुआ है, 20% फेसबुक को दिया, 20% व्हाट्सएप को दिया, और 20% किसी और को दिया,
ये कोई चीज गलत नहीं है इस्तेमाल अगर सही तरीके से करें तो। आज फेसबुक व्हाट्सएप को इस्तेमाल करके बहुत लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, चलो समझ आ रहे हैं। बहुत लोग फेसबुक व्हाट्सएप को यूज करके रिलीजियस लोग बहुत अच्छा कंटेंट्स लोगों को दे रहे हैं, बहुत सारे धर्म गुरु, बहुत सारे ऐसे लोग अच्छे कंटेंट्स को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल कैसे करें वो अपने ऊपर है। देखिए मेरा बोलने का ये मतलब था कि इस उम्र में एक ही बड़ी तकलीफ है कि मन काबू में नहीं होता है, बहक जाते हैं, कैरी डेवे हो जाता है। हेलो समझ आ रहा है? यस। हेलो समझ आ रहा है? यस। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को अगर हम कंट्रोल कर पाए और इस चीज को अगर कंट्रोल कर पाए तो इस उम्र की सारे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सवाल है कंट्रोल करना इतना आसान है? कंट्रोल बोलते हैं माइंड कंट्रोल, माइंड तेरे को बोलेगा आउट ऑफ कंट्रोल, तू कौन है रे मेरे को बोलने वाला, पिछला 20 साल से मैं तेरा बात नहीं सुना, मैं वही करता गया जो मैंने चाहा और तू भी मेरा काम मैं जो बोला वही फॉलो करता गया, आज तू बोलेगा मेरे पास सुन, मैं सुनूंगा। घोड़े को ट्रेनिंग देने के बाद वो ट्रेंड घोड़ा होता है और रेस में दौड़ता है, समझ आ रहे हैं? Yes. डॉग स्पोर्ट में जो कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाती है वो बहुत सारा सपोर्ट करता है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में, हेलो समझ आ रहा है? Yes. स्ट्रीट डॉग है, कभी ट्रेनिंग ही नहीं मिला उसको, तुम बोलोगे कोई बड़ा कोई सुराग ढूंढने के लिए वो तो नहीं कर पाएगा, माइंड भी तो ऐसे ही है, हेलो समझ आ रहा है? Yes. उसको अगर ट्रेनिंग देते रहेंगे, उसको अगर हम एक पर्टिकुलर चीज में फोकस कराना कैसा है ये सिखाते जाएंगे तो उसकी आदत बनेगा, कोई एक चीज में फोकस बनाए रखें। पढ़ भी रहे, व्हाट्सएप भी खुला है, इधर इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट मैच भी देख रहे हैं, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? Yes. कॉलेज भी कर रहा है, नीचे चैटिंग भी चल रहा है, तो माइंड को हम ऐसे करते गए, इसको 3-4-5 जगह पे डाइवर्ट करके रखे, इसलिए अल्टीमेटली उसकी आदत खराब होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे इस आदत को दोबारा पॉजिटिव जगह पे लाना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने बोला था गोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों बार बार बोला जाता है, इस चीज को इतना अहमियत क्यों दी जाती है हमारी इंडस्ट्री में? इसीलिए दी जाती है क्योंकि बाकी सारे मार्केट की परिस्थितियां आपको डाइवर्ट करने के लिए तैयार है, और एक ही चीज है बार बार आपको हर तकलीफ में आपकी फोकस को बनाए रखेगा, दैट इज आपका गोल। समझ आ रहे? अगर 50 बार गोल सेट करके पूरा नहीं किया 51 बार करेंगे, क्योंकि यही एक तरीका है, और इसी तरीके से ही किसी ने बाल डिस्कवर किया, किसी ने हवाई जहाज बनाया, 50 बार फेल किया, 60 बार फेल किया, 80 बार फेल किया, फर्क नहीं पड़ता है, मकसद मिशन तय था कि ये मिशन है मेरा जिंदगी में, टॉमस अल्फा मिशन, मेरे को बल्ब डिस्कवर करना है, राइट ब्रदर्स मैं मेरे प्लेन बनाना, मकसद क्लियर था, इसलिए कितना बार फेल किया फर्क नहीं पड़ता। हेलो समझ आ रहे? Yes. तो मेरे फ्रेंड्स, मैं रिपीटेडली बोलूंगा अगेन, अगले 3 महीना द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 महीने में मैं अपने गोल क्या सेट करता हूँ, उसके लिए बहुत बड़ी एक तो है कंपनी की तरफ से खुशखबरी, हम जानते हैं पिन से, पिन की तरफ से हमें बोनस मिलेगा, राइट, कंपनी बोनस, सपोर्ट टीम बोनस, और साथ साथ आज ही शाम को तेज तर्रार ऑफर अनाउंस होने वाला है, देने वाला नेशनल ड्रीम अचीव होने वाला, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? खैर उसके बारे में सुरेश अधिकारी लास्ट सेशन में वो कंटिन्यू कवर करेंगे, और बहुत ही अचीवेबल एंड एक्सेसिबल फाइट करने लायक ऑफर है जो आपको मिल जाएगा, तो हमारे लिए ये गोल बेहद इंपॉर्टेंट लगा 3 महीने में। माय डियर फ्रेंड्स, ये बार बार आप लोग तय कीजिएगा, क्योंकि कभी भी कितने बार भी गोल अचीव ना हो तब तक सेट करते जाएंगे गोल, जब तक मैं तब तक मैं गोल को दोबारा सेट करते जाऊंगा, कभी भी निराशा मन में नहीं लाऊंगा कि सेट किया था क्यों नहीं हो, ठीक है? अगर कभी सेट करके गोल अचीव नहीं कर पाया तो गलती गोल का नहीं, एक्शन का, गोल का बात तो एक्शन आता है, वही जो विजुअलाइजेशन वर्बलाइजेशन का बात क्या आता है, वाइटलाइजेशन यानी एक्शन प्लान, एक्शन उतरना, तो वो प्रॉब्लम वहां पर था, मैंने एक्शन नहीं किया, सपने तो बनाए थे, चलो समझ आ रहे? तो बेचारा इसको क्यों किशोर कुमार कह रहा था, दोबारा गोल सेट करेंगे और एक्शन में सुधार लाएंगे, चलो समझ आ रहे? मजा आने करेंगे करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए चलिए गोल तो सेट कर लिए, आप मैदान में उतरना नहीं चाहिए, बोल कर अब गोल तो सेट कर लिया, मैदान में उतरना है को? Yes. उतरने के लिए सबसे पहला काम क्या है हमारा? बोर्ड मीटिंग में सबसे पहला काम लिस्ट बिल्डिंग, राइट? तो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, 20-30-50 का अगर लिस्ट होगा तो सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, अपने पैर से आम तोड़ने के लिए बोला गया क्या तोड़ने के लिए? आम। बहुत आम है,
लेकिन आपके पास पत्थर कितने हैं? चलो 5, 7, 10। पहला 1, 2, 3 पत्थर मारा, आप नहीं टूटा, हालत क्या होगा? होगा तो अगले में टूटेगा तो अगला 2, 3 दिया, टूटा नहीं, बचा हुआ लास्ट 3, अब क्या होगा? धड़कने तेज हो जाएंगे, यार मारू नहीं मारू, रुक कैसे, एकदम टिक आइटम लगाता हूँ, इसको ही है। होगा नहीं होगा? yes. उल्टा है, 100 पत्थर है, कैसे करोगे? हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? टूटेगा नहीं टूटेगा? क्यों? पत्थर काफी सारे हैं, यही बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है लिस्ट बिल्डिंग के साथ। हम 50 की लिस्ट बना रहे हैं, उनमें से भी 20 को क्वालिफाई कर रहे हैं, उनमें से 4-5 जैसे ना बोल दिया बस, अगला इनवाइटिंग की टाइम पे समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस यस। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कॉन्फिडेंस फ्लो हो जाएगा, जितने एक दो और नो सुन लिया तो उसको तो आईसीयू में भेजना पड़ेगा। उस एसोसिएट को दोबारा जिंदा करने के लिए घर में पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पूरे डॉक्टर की टीम भेजना पड़ेगा उसको। हेलो, मेरे पास समझ आ रहे नहीं आ रहे? प्लीज माय डिफरेंस, इसमें बहुत बहुत ध्यान दें अपना और अपने एसोसिएट का। लिस्ट बिल्डिंग कर लो, बोलने से कोई नहीं करेगा, लिस्ट बिल्डिंग बैठ के करा दो, और लिस्ट बिल्डिंग की टाइम पे अपना उसको क्ल्यू दो। एक बंदा जो नया, उसको बोला फ्रेंड थ्योरी, फ्रेंड फ्रेंड 8-10 ही है, ये सुनील, अनिल, कमल, ललिता, रिलेटिव, तो मामा, चाचा, दीदी, 4 लोग हैं। वो जब लिस्ट बिल्डिंग करने जाएगा उसकी दिमाग खुलेगा ही नहीं, वो सिर्फ हॉट सर्कल को ही सोचता है। अब जब तुम उसके साथ बैठोगे, अरे फ्रेंड्स F1 कॉलेज की डिपार्टमेंट वाला फ्रेंड, F2 तेरे कॉलेज में जूनियर डिपार्टमेंट, तू अगर केमिस्ट्री का है सेकंड ईयर का, तो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, केमिस्ट्री फाइनल ईयर, F3 कॉलेज का ही बट अलग डिपार्टमेंट, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, बायो का, F4 कॉलेज का, साइंस का नहीं है, आर्ट्स या कॉमर्स का, F5 ट्यूशन फ्रेंड्स, F6 मोहल्ला फ्रेंड्स, F7 स्कूल फ्रेंड्स बट इन टू डिफरेंट कॉलेजेस, F8 टेंथ का फ्रेंड्स, जिनको 12th का एक साथ पढ़ाई नहीं, डिफरेंट जगह पे, हेलो समझ आ रहे हैं? yes. F9 फ्रेंड्स का फ्रेंड, F10 प्लेग्राउंड फ्रेंड्स, F11 जिम फ्रेंड्स, F12 एनसीसी फ्रेंड्स, ऐसा जितना बोलोगे हाँ 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 जिम में तुम, हाँ खेलने में तुम आता है, अरे उसका तो मैं सोचा ही नहीं, ऐसा क्यों देना पड़ेगा? रिलेटिव्स R1 मम्मी का साइड के रिलेटिव, मामा मासी, F2 फादर का साइड के रिलेटिव, हेलो समझ आ रहे हैं? yes. F3 मामा अगर है तो मामा तो अपना है, लेकिन मामी की जो ससुराल है, तो समझ आ रहे नहीं यार? yes. F4 चाचा अपना है, लेकिन चाची की भाई के, चाची की भी तो भाई बहन है यार, समझ आ रहे? yes. इसी तरीके से तो शादी में 500 हो जाता है, ऐसा क्लूज तो दे दे, हेलो समझ आ रहे? yes. बता नहीं, समझ आ रहा है? yes. ये जितना आप उसको क्लू देंगे अलग अलग, वो उतना ज्यादा नाम लिख पाएगा, नेक्स्ट लेवल पे आप आए के FRIENDS ई अर्निंग लेवल का, रोजगार करने वाले लोग, इसमें कौन है? एम्प्लॉई, एम्प्लॉई में गवर्नमेंट एम्प्लॉई, प्राइवेट एम्प्लॉई, प्राइवेट एम्प्लॉई में आईटी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, तो समझ आ रहा है? yes. डिफरेंट डिफरेंट फील्ड दो। अच्छा, तुम्हारा जान पहचान में कॉल सेंटर में नौकरी करने वाला, सॉफ्टवेयर में नौकरी करने वाला, हेलो समझ आ रहा है? इंश्योरेंस में नौकरी करने वाला, टेक्सटाइल में, फार्मा में, BSc नर्सिंग वाला, हेलो समझ आ रहा है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डिफरेंट डिफरेंट, बैंकिंग सेक्टर, डिफरेंट, देखना हर जगह से दो तीन काम नहीं करेगा, क्या क्लियर होगा? नहीं होगा? इस तरह के सामने बैठ के लिस्ट बिल्डिंग बनाना सबसे पहली काम करेंगे, करेंगे। चलो, ये हुआ लिस्ट बिल्डिंग, इसके बाद नेक्स्ट काम किसमें आएंगे? इनवाइटिंग, क्वालिफाई करके इनवाइटिंग करना, बिजनेस की सबसे शुरुआती जंग, लिस्ट बिल्डिंग तक जंग नहीं था, तैयारी था, कमान लाओ, बंदूकें लाओ, कारतूसें लाओ, हेलो समझ आ रहे? yes. ये सब जुगाड़ हो रहा था, अब उठाना है और चलाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, तो ये लिस्ट बिल्डिंग से इनवाइटिंग, ये जो पड़ाव है, इसी पड़ाव में ज्यादातर नया एसोसिएट डर जाता है,
और यही जगह पे आप सीनियर लोग का मेन जिम्मेदारी है उनको मदद करना। हेलो समझ आ रहे हेलो समझ आ रहा है अकेला हिम्मत नहीं जुटा पाता है क्योंकि इनवाइट जो करने जाता है कौन सा नए लोग कितना दिन हुआ एक महीना लड़ाई करने के लिए पहला फौजी का ट्रेनिंग खत्म हुआ पहला लड़ाई में उतरा उतरने के साथ साथ वो सोच रहा था मेरे पास तो AK-47 है जाऊंगा और गोली चलाऊंगा चलाने किया देखा सामने वाला का पास AK-56 है वो गोली खोलने का सुनो एक कंपनी एक्चुअली मैं क्या कंपनी नेटवर्क चेन धंधा आदमी पकड़ने का ठाकुर तो गए ये जगह पे माय डिफरेंट एसोसिएट को बहुत ज्यादा आपकी सपोर्ट की जरूरत है ये इनवाइट करने का जगह और साल के लिए तो दो चार साल में इनवाइट करके ला लेते हैं लेकिन उसकी बाद ही उसकी चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं तो ऐसे जगह पे नया एसोसिएट के साथ लगातार डेंड्राइट जैसा फेविकल जैसा चिपक जाओ एक एसोसिएट को 6 महीना बाद आपकी सपोर्ट की ज्यादा जरूरत नहीं है बट शुरुआत की 6 महीना कम से कम 3 महीना उसके साथ लगातार 90 दिन आपका एक पर्सनल वो पेशेंट किधर है आईसीयू में किधर है आईसीयू कोई पेशेंट अगर आईसीयू में है डॉक्टर सबको अगर पूछे डॉक्टर पेशेंट का हालत कैसा है क्या बोलता है सीरियस है क्रिटिकल बोलता है पेशेंट का हालत कैसा है सीरियस वेरी सीरियस तो आप लोग क्या कर रहे हैं आईसीयू में क्यों डाले वेंटिलेशन में क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन करना है क्या हर आधे घंटे में मॉनिटर करना है कौन सा चीज बीपी और शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल सोडियम पोटेशियम क्रिएटिनिन सब नाम बोलता है ना टिन क्रिएटिनिन क्या क्या बोलता है और उसके साथ इतने सारे टिक 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 टू टू टिक टिक टाइ टू टू टाइ लाइट टिक टू होता है नहीं होता है हर जगह से इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स सही है नहीं है तो क्या करते हैं डॉक्टर मॉनिटर हर आधे घंटे में हर पैरामीटर इसीलिए आईसीयू वार्ड में क्या होता है सुबह एक बार डॉक्टर आता है राउंड लगा के गया और कब आएगा शाम को आएगा सरकारी हॉस्पिटल 3 दिन बाद आएगा क्यों नॉर्मल पेशेंट सही है एक बार ऑब्जर्वेशन करो चलता है फिर अगले दिन आओ 24 घंटे के बाद एक बार कैसा क्या अच्छा खाना खा रहे हैं नहीं खाना खा रहे हैं सुसु हो रहा है टॉयलेट हो रहा है ये दवा अगला पेशेंट आईसीयू में 10 पेशेंट है उसके लिए 15 नर्स है सही है नहीं है लगातार दिखाई दे रहा है सही है तो एक नॉर्मल पहला जो जूनियर एसोसिएट ज्वाइन किया है उसकी हालत कैसा है इसमें वो आईसीयू में है उसकी परिस्थिति सीरियस है अभी उसको वार्ड में मत डालो मेरा बात समझ आ रहा है डॉक्टर आया एक बार 2 दिन देखा उसके बाद अभी 3 दिन बाद आया ऐसा नहीं है हर घंटे उसको मॉनिटर करना जरूरी है नासुक है वो किसी भी टाइम पे फटक से एक नेगेटिव खा जाएगा तुम्हारे जो इतनी मेहनत पहले उसको इनवाइट किया प्रेजेंटेशन किया फीडबैक रीफीडबैक उसकी फॉलोअप बाप की फॉलोअप चाचा की फॉलोअप बड़े वाला ससुर की फॉलोअप ये सब करने का बाद उसका डीडी उठा के लाया समझ आ रहा है yes. आप बड़े उम्मीद था नहीं ये लड़का बढ़िया बिजनेस करेगा सब खत्म करने का बाद अच्छे पैसे को अपने लाए लाने का बाद सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ठीक से एहसास ना होने के कारण उसको छोड़ के रख दिए वो अकेला अकेला काम करने गए झटका खाए सारे मेहनत पानी पे चला गया इतना मेहनत क्या 300 रुपया की लिए किया था या उससे बिजनेस निकालने के लिए किया था बनाने के लिए लो समझ आ रहे मेरे बात सीरियस पेशेंट को क्या करना है आईसीयू बोले तो लगातार मॉनिटर रोज फोन भाई कैसा है सब ठीक घर में सब ठीक खैरियत इनवाइट किया किसी को इसको किया क्या बोला बोलो आएगा हारा है कांग्रेचुलेशंस नहीं आ रहा है जबरदस्त कांग्रेचुलेशंस कि मैंने तुमको यही बोला पहला 10 इनवाइट नहीं आना चाहिए अगर ये हो रहा है तो बोलो दादा मैंने 4 लोग को इनवाइट किया था कोई नहीं आया आ मेरे शेर गले लग जा बस यू आर ऑन द राइट ट्रैक मेरे बात समझ आ रही नहीं आ रहा yes. ये तो होगा ये होना चाहिए इसी तरीके से ही वेलकम होगा इंग्लैंड में खेलने गए आप ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए वेस्ट इंडीज में खेलने गए और आप सोच रहे हो कि बॉल कैसा आएगा घुटने का नीचे नहीं हो सकता है शुरुआतियों का बाउंस है
चलो समझ आ रहे नहीं आ रहे? yes. शुरुआतियों का बाउंस है, बॉडी हटा लेना पड़ेगा नहीं तो थोबरा जाएगा। क्या खिलाड़ी है भाई, उसके साथ ऐसा होगा, होना चाहिए, यही उसकी एसिड टेस्ट है, यही उसको, यही बोलेगा उसको वेलकम टू दिस इंडस्ट्री, वेलकम टू स्मार्ट वैली, वेलकम टू गोवा सिंगम। हेलो समझ आ रहा है? उसकी स्वागत की जाती है इसी तरीके से। तो ये माइंडसेट इसको कर देना और साथ रहना, कोई बात नहीं, ये खाओ, ये मजबूती है। बॉक्सिंग रिंग में आए हो बॉक्सर बनने के लिए, मोहम्मद अली पहले नाक तुड़वा लो। हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? तो करेंगे हम लोग इसके लिए। उसको ये भी इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट बिल्डिंग से हमें इनवाइटिंग सिखाना। अब देखो इनवाइटिंग के तो डिफरेंट तरीके हम लोग जानते हैं, राइट? हॉट सर्किल, वार्म सर्किल, कोल्ड सर्किल जानते हैं, उत्सुकता पैदा करना है, क्यूरियोसिटी जानते हैं हम लोग, क्यूरियोसिटी अप्रोच उसके अंदर। हेलो समझ आ रहे हैं? क्वालिफाई, ऑफर, टेक अवे जानते हैं हम लोग, तो पहले क्वालिफाई करना है, फिर ऑफर देना है, फिर टेक अवे करना है, ये सारी चीज तो जानते हैं। पर समय के साथ साथ हमारे इन्विटेशन में कुछ बदलाव भी हमें करना जरूरी है। लाइक पहले एक टाइम था जब लोग टेस्ट क्रिकेट देखना पसंद करता था, 5 दिन का टेस्ट, खाना पीना, रोटी सब्जी, आलू पराठा, पुलाव पूरी लेके बैठ जाते थे, पूरे परिवार लेके टेस्ट देख रहे हैं। आज टेस्ट सिर्फ टीवी में 2-2 घंटा बाद देख लेते हैं, नेट में स्कोर कितना हुआ, इंडिया डिक्लेयर किया कि नहीं। हेलो यस और नो? यस। आज क्या देख, वन डे भी इतना पॉपुलर नहीं है, सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है, क्यों? 4 घंटे में, 7 बजे मैच शुरू हुआ, 10 बजे तक खत्म, 3-3.5 घंटे में मैच खत्म, वो भी पूरा क्रिकेट नहीं, क्रिकेट के साथ लुंगी डांस, मसाला डांस, वो जो चिकनी चमेली। हेलो समझ आ रहा है? सिर्फ क्रिकेट नहीं, हेलो समझ आ रहा है? ये सुन लो, शुरुआत में कोई डीजे गाना मस्ती, 4 लगाया, 6 मारा, हेलो ये सुन लो, ये टेस्ट लोग बदलते जा रहे हैं। पहले तो टेस्ट क्रिकेट सारे सफेद को ये में आएंगे ड्रेस में, हेलो समझ आ रहा है? सफेद बॉल, आज कलरफुल ड्रेस, हर प्रोग्राम के बाद, हर क्रिकेट मैच के बाद रात को पार्टी, हेलो समझ आ रहा है? यानी क्रिकेट विद एंटरटेनमेंट, सही है? सही है? तो अपना भी इनविटेशन, अपना भी प्लान, जो इन सब में हमें भी बदलते हुए समय के साथ खुद को भी अपडेट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। एंड्रॉइड को करते हो अपडेट? न्यू अपडेट अवेलेबल, क्या करते हो अपडेट? ये समय के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा, समय के साथ साथ दाढ़ी के स्टाइल में अपडेट, समय के साथ साथ ड्रेसिंग स्टाइल अपडेट, समय के साथ साथ पहले पैंट कैसा था, बेल बटन, तुम्हारा पहले तुम्हारा पैंट चलता था घाघरा। हेलो ये सर लो, उसके बाद कैसा आया, चिनोस, अब कैसा आ रहा है, पैंट हाफ पैंट बन रहा है, ऊपर उठते जा रहा है, फटा हुआ, जितना फटेगा उतना अच्छा, उतना स्टाइलिश। अरे बोला ऐसे भी स्टाइल आ सकते, पत्ते से निकलो डार जा। Anyway, समय के साथ साथ चलना होता है, ये सर लो। हमें भी अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी इनविटेशन में कैसा चलना है, समय के साथ, समय के साथ। किसको इनवाइट करने के, एक टाइम था जब किसी को हम इनवाइट कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्टर उसको नहीं पता, तब सिर्फ करियर काउंसलिंग या कुछ बोल के उसको इनवाइट कर रहे हैं। बट आज हमें ये सोच लेना पड़ेगा, 10 को इनवाइट करने जा रहे हैं तो 4 बंदे ऐसे हो सकते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, ज्वाइन किया है नहीं लेकिन जानता है, बुद्ध देखा है नहीं लेकिन दूसरे ने देखा है, सीरियल देखा है बहुत का। हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? तो ऐसे टाइम पे कुछ कुछ जगह पे ये चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं कि लोगों को हॉल तक लेके आने में थोड़ा थोड़ा चैलेंजेस हो रहा है, हमें हॉल पे ही लेके आना है, जरूरी नहीं है, हमें मतलब है डीडी से, हमें मतलब है लोगों से। हेलो समझ आ रहा है? हॉल पे देख के डीडी देगा तो हॉल पे बुलाएंगे, और हॉल पे नहीं देख के जंगल में बैठ के डीडी देगा तो जंगल में बुलाएंगे। हमारे को लेना देना हमको बिजनेस से मतलब है, हेलो समझ आ रहा है? तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम सारे इनवाइटी को यही कोशिश करेंगे कि हॉल तक ही लेके आना है, तो सबसे पहले हमारे लिए एक पाबंदी हो जाता है, 365 दिन में सिर्फ 52 दिन हॉल होते हैं, 52 संडे होते हैं। तो 365 दिन का बिजनेस तो हमने पहले 52 दिनों में सिमट कर दिया, आउट ऑफ 52 10-12 संडे तो ऐसा होता है जिस दिन संडे में दिवाली आई है, संडे में होली, संडे में ही समझ आ रहे हैं, संडे में बारिश धमाकेदार हो गया, संडे का दिन सर्दी ज्यादा हो गया, संडे का दिन स्ट्राइक, संडे को इलेक्शन, तो 10-12-15 संडे तो खराब होता ही है, और कब हो गया, क्यों?
हमारा बिजनेस डेली का है, संडे वाला बिजनेस नहीं है। हेलो, समझ आ रहा है? yes. समझ आ रहा है? yes. हमारा प्लान जो डेली होना चाहिए, किधर सबको 20-50-100 किलोमीटर से बुला के एक जगह पहुंचना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। जहां उसकी सहूलियत हो, जहां उसके लिए प्लान देखना आसान हो, हम वहीं पर प्लान दिखा देंगे। हॉल तक लाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस है? पहले तो जिस दिन प्लान शो का, उस दिन एसोसिएट की टाइम होना चाहिए, प्रोस्पेक्ट की टाइम होना चाहिए। घर से हॉल तक आने के लिए आधा घंटा 45 मिनट की टाइम, प्लान खत्म होने के बाद जाने के लिए 45 मिनट टाइम। हॉल यूजुअली बोलते हैं 11 बजे, बट 11:30 शुरू होते तो हो जाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बात होता है। चलो, समझ आ रहे? तो कुल मिला के देखना, उसको घर से निकलना और घर पहुंचना, ये सब मिला के 4-5 घंटा टाइम लग जाता है। हेलो, सही है? नहीं yes. अगर इतना टाइम किसी के पास नहीं है, फिर इनवाइट करना मुश्किल हो जाता है। सही है? नहीं yes. सही है? नहीं है yes. लेकिन उल्टा, जहां वो बंदा है मैं वहीं पर प्लान दिखाऊंगा। उसके लिए कितना टाइम होना बंदे के पास? एक घंटा का प्रेजेंटेशन, 15 मिनट की बातचीत। तो अगर ये फैसिलिटी हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा देंगे तो बोलो प्लान जो ज्यादा होगा, नहीं होगा? देखो, कोई हॉल देख के ज्वाइन नहीं करता, भीड़ देख के भी सिर्फ ज्वाइन नहीं करता। मेनली प्लान शो और जो प्लान बोल रहा है उसकी कॉन्फिडेंस लेवल, और उससे भी इम्पोर्टेंट है, प्लान शो से कोई ज्वाइन नहीं करता है, ज्वाइन करता है फॉलो अप से। प्लान शो से वो जानता ही है क्या क्या प्रोजेक्ट, क्या एजुकेशन, क्या प्रोडक्ट, क्या बिजनेस, क्या मिलता है यहाँ से। प्लान देखने के बाद हर बंदा थोड़ा विचार करेगा ही करेगा, डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, फॉलो अप उसको जाके हैंडल करना ही है। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? पहले तो प्लान शो, फिर तो फॉलो अप। अगर मैं 100 को प्लान दिखाऊंगा तब ना 70 फॉलो पे बैठेगा, तब तो मेरे को 20 डीडी आएगा। लेकिन प्लान जो ही अगर 20 हुआ तो मैं उम्मीद कैसे लगाऊंगा? हॉल में नहीं, तू हर प्लान जो तुम रेडिशन में करो, 5 स्टार में करो, तो भी क्या फिगर नंबर कम होने से, रेडी 5 स्टार में बुला के प्लान शो करने से भी क्या 10 में से 10 जॉइन करेगा? जरूरी नहीं। मेन इंपॉर्टेंट है प्लान शो सक्सेस, उसका लॉजिक क्लियर होना, फीडबैक पे उसकी क्वेश्चंस और डाउट्स क्लियर होना। हेलो, समझ आ रहा है? आखिर में जो इनवाइट किया उसकी रिलेशनशिप की टच, भाई मैं तो चलना कितने क्या, इतना पैसा लगा लो, कितना सोचने का बात है, स्टार्ट करते हैं ना। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? तो इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहले सिंपल इनवाइट। जब तुम किसी को हॉल पे बुलाओगे तो बहुत बात करना पड़ता है, एक प्रोजेक्ट, वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, एक्सपर्ट आएगा, मैनेजमेंट होता है, सीट बुकिंग करना पड़ेगा। समझ आ रहे नहीं आ रहे? yes. तो इनवाइटिंग ज्यादा प्रोफेशनल हो जाता है, जहां ये करना पॉसिबल है करो, लव, पर जहां लग रहा है इतनी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है, एक फ्रेंड उसकी दोस्त को बुलाएगा, एक कैजुअल इनवाइटिंग काफी है। भाई क्या कर रहा है? ऐसे ही खाली बोल, कौन से टाइम कर लिए, शाम को क्या कर रहा है? शाम को तो थोड़ा एक जगह पे जाना पड़ेगा, कब तक फ्री हो जाएगा? 6 बजे तक फ्री हो जाओ, 6 से 8 फ्री है, जबरदस्त प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। बोले क्या? अरे भाई माल तो कमाना है जिंदगी में। बोले हाँ कमाना तो है, तेरे पास कोई रास्ता है अच्छा कुछ पैसा कमाने का? नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं है, एक जबरदस्त आदमी से मिलाऊंगा। आज तो मार्केट में ही पता चलता है ना कि तेरे पास क्वालिफिकेशन है तो अच्छा नौकरी कर सकता है। अरे IAS है, अच्छी नौकरी, नॉर्मल BA BTEC है, मीडियम नौकरी, और 12वीं ग्रेजुएट भी नॉर्मल BA BSc BCA है, तो ऑर्डिनरी जॉब है। पर मैं एक प्रोजेक्ट जानता हूँ, फर्क नहीं पड़ता है डिग्री क्या है, फर्क पड़ता है चाहत क्या है। अगर वो है तो धमाका करने का जगह है। बोले है क्या, चल बैठते ना कल, मेरा एक भैया आएगा, मिलते हैं ना उनसे। क्या मेरा बात समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? सिंपल कैजुअल इनवाइटिंग, ऐसा बोलने के लिए। सामने वाले क्या बोला, ये क्या नेटवर्किंग है? यार तू थोड़ा मेरे को बता दो, नेटवर्किंग है क्या? मैं भी बड़ा रुचि रखता हूँ इस शब्द में, बहुत लोग बोल रहे हैं। नहीं मतलब वो जोड़ने वाला, तोड़ने वाला, बोले कितने को जोड़े कितने को तोड़े। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। बोले मेरे पास समझ आ रहा है? yes. तो बताए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तेरे को गाइडलाइन ऑन डायरेक्ट सेलिंग 2016 मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भारत सरकार ने जो दी है, पता है अभी तक इंडिया का सबसे धमाकेदार शोर मचा देने वाला, जीरो से हीरो बनाने वाला, विलेज लोगों को मिलेनियर बनाने वाला मल्टी लेवल मार्केटिंग, सुना है, देखा है? तो ज्यादा सवाल नहीं करना कि एक घंटा चुपचाप बैठे।
जो बोल रहा हूँ देख ले, सही लगता है सोचना, नहीं लगता है बकवास सोच के बोल जाना। आज तो एक घंटी की है, क्या होगा इनवाइटिंग? यस। अरे वो समझ आ रहा है? यस। सीधा बात, भाई अगर अच्छा लगता है सोचना, नहीं तो बेकार मूवी था सोच के बोल जाना। मूवी अगर बेकार भी है, पैसा लगा दिया जीरो, कौन सा सनोकर का फिल्म जीरो, पैसा लगा के कितना टिकट है मिनिमम फिल्म का दिन में? मल्टीप्लेक्स में नॉर्मल सिनेमा हॉल में भी जाए 50 रुपए की कम तो नहीं है कहीं में, 70 80 रुपीज के फिल्म हॉल में गया, फिल्म अच्छा नहीं लगा तो क्या करते, पैसा वापस दो। ऐसे एग्जांपल देना, फिल्म देखता है 3 घंटे देता है, पैसा खर्च करता है, बकवास भी लगा तो 2-4 लोग को बोलते यार क्या था बकवास, इतना ही है ना, या मुफ्त में देखेगा अच्छा लगेगा करियर बनेगा, नहीं लगा बकवास बोल के बोल जाना। क्या मेरा बात समझ आ रहा है? yes. तो बोलो इस तरीके से अगर इनवाइटिंग करेंगे बेहतर इनवाइटिंग होगा नहीं होगा? yes. होगा नहीं होगा? yes. आपको भी इतना डरने भरने की कोई बात नहीं है, बड़ी गुजारिश, मेरे लड़की का शादी है और बुरा बाप एक ही लड़की, आपको जरूर आना है। हेलो समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? इतना कोई गिड़गिड़ाने वाला बात ही नहीं है और इतना कोई भारी भरकम बात करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल कैजुअल नॉन प्रोफेशनल इनवाइटिंग। हेलो समझ आ रहा है? yes. हेलो समझ आ रहा है? yes. फ्रेंड्स को, रिश्तेदार को, मौसी का लड़का, मामा का लड़का, भाई काल क्या कर रहे हैं, आगे क्या सोच रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने का बाद कुछ दिख रहा है बेहतर करियर? मेरे को तो नहीं दिख रहा था, सीधा बोल रहा हूँ। नॉर्मल ग्रेजुएशन करने का बाद जो देख रहा हूँ पुणे में, बैंगलोर में, ये जो इंश्योरेंस का काम, स्विगी का डिलीवरी के काम, ओला उबर ड्राइवर के काम, कॉल सेंटर की काम, हेलो समझ आ रहा है? फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय का काम, पिज्जा डिलीवरी का काम, नॉर्मल क्वालिफिकेशन में यही सब काम ही मार्केट में पड़ा हुआ है 10-10, 12-12 घंटे का और नॉमिनली का। भाई मैं एक प्रोजेक्ट जानता हूँ, इतना टाइम अगर कोई देगा इससे कहीं गुना ज्यादा इनकम कर पाएगा और एक जबरदस्त फ्यूचर बनने की पॉसिबिलिटी है। तेरे को लगता है कि ऐसा कुछ जिंदगी में जरूरी है? कल क्या कर रहा है बोल, मेरा समझ आ रहा है? मेरा ही घर पे एक कोने पे 1-2 चेयर लगाने का जगह है, काफी है, जरूरी नहीं है कि शर्ट पैंट टाई लगा कर जाना पड़ेगा। इवन अगर आप जो आपको लगता है कि थोड़ा कैजुअल जाने से भी चलेगा, अगर कैजुअल रिलेशनशिप में, पर ठीक है, फॉर्मल ड्रेस कोड में अपने आप को ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। क्या आप लोग अगर जींस टी शर्ट में भी पहनोगे, आपके पास तो बहुत ब्रांडेड जींस नहीं है और बहुत कॉस्टली टी शर्ट जींस भी नहीं है, वो बहुत कैजुअल दिखता है, ठीक है फॉर्मल पे जाओ, बट इनवाइट उस प्लान जो उसके घर में एक कोने में, इतना इतना सुनिश्चित करो एक घंटा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उस रूम पे कोई नहीं आएगा, बस आप। हेलो समझ आ रहा है? yes. समझ आ रहा है? yes. तो कर सकते हैं ऐसे? yes. ऐसे इनवाइटिंग कर सकते हैं? yes. करना पड़ेगा। और ये इनवाइटिंग में सबसे अच्छा फायदा क्या है, बहुत बोझ आपके पास नहीं है, ये बोलकर आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट? ऐसा अगर 100 को अप्रोच करेंगे 50 प्लान देखेगा नहीं देखेगा, और जब क्या प्लान शो उसी की जगह पे देखने का बंदोबस्त करके दे रहे हैं, तो हमें एज ए सीनियर तैयार रहना पड़ेगा दिन में दिन, दो दिन, दो दो तीन तीन प्लान शो करने के लिए। तैयार है हम लोग? तैयार है? आप लोग, हम लोग को बोलोगे दादा आप लोगों का अच्छा प्लान शो करने का क्वालिटी कहाँ से मिला? मैं आप देखिए, जब तुमका प्रैक्टिस, मैंने जब अपन मेरा सुपर स्मार्ट सिल्वर गोल्ड लेवल पे मैं जब बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे जब हफ्ते में 10-15-20 डीडी जा रहे हैं, उस टाइम मेरा एक्टिविटी था पल्सर 150 लेके सुबह निकला, ड्रेस में सब कुछ पहन के, ब्लेजर लगा के, बैग साइड में ऐसा करते थे, एक लगा लेते थे साइड में, बाइक का साइड में वो हैंगर टैग का हुक, उसको बैग लटका दिए, लैपटॉप लटका दिए, प्रोस्पेक्टस प्रोफाइल टेस्टिमोनियल लेटर ले लिए, पानी बोतल लेके निकलो, रात को 10 बजे के पहले घर नहीं आने का, शेड्यूल फिक्स, ये जगह पे 11 बजे प्रेजेंटेशन, उसके बाद टीम काउंसलिंग, अगले जगह पे 3 बजे से प्रेजेंटेशन, लास्ट 7 बजे से प्रेजेंटेशन या फीडबैक, घर आते आते 10 बजे, डेली का शेड्यूल, हफ्ते का पहले ही शेड्यूल डिसाइड हो जाता था, तुम्हारे एरिया में कब प्लान शो चाहिए, ये दिन, तुम्हारे को कब चाहिए, ये दिन, कब चाहिए, ये दिन, नहीं दादा मेरे को थर्सडे चाहिए, नहीं दादा थर्सडे मेरे को चाहिए, बोल कितना इनवाइटिंग तुम बनाएगा, 5, 13, 3, चल तेरे को डेट देता हूँ, नहीं मेरे को क्यों नहीं मिला, तो अगले हफ्ते कर और 5 से ज्यादा इन्वाइट कर, तेरे एरिया में जाऊंगा। एसोसिएट में कॉम्पिटिशन लग जाता था कौन सीनियर को ले जाएगा, और सीनियर को ले जाने के लिए आप लोग का क्राइटेरिया क्या होता था, इनवाइटिंग, कौन कितना इनवाइटिंग बनाएगा मैं उसके पास जाऊंगा। हेलो समझ आ रहे? yes. समझ आ रहे? yes. तो मेरा दोस्तों एसोसिएट रूम से बाहर देखिए, कल भी मैंने बोला था हमारा जो गुरुकुल है, गुरुकुल पे बिजनेस नहीं आएगा, प्रोस्पेक्ट गुरुकुल तक नहीं आएगा, मुझे प्रोस्पेक्ट के पास जाना पड़ेगा,
इससे आसान होगा. एसोसिएट की घर में प्लान छोड़ कर रजिस्टर करेंगे. yes. करेंगे yes. फायदा मेरे परिवार का पॉजिटिव होता है इस बिजनेस को लेकर. जब मैंने अपने घर पे प्लान छोड़ करना शुरू किया, मेरे मम्मी पुलिस में नौकरी करने वाला भयंकर. मेरा घर में दोस्त लोग आने के लोग डरते थे मेरे मम्मी से. हम लोग जब 11 12 में भी थे, मेरे घर में कोई नहीं आता था, दूर से बोला था मार तो जैसे मेरे मम्मी कौन सब भाग जाता था. हेलो समझ आ रहे नहीं आ रहे? yes. वो पुलिस वाला का मिजाज टाइप का मेरा मम्मी. तो वही मम्मी बिजनेस में ज्वाइन करके अचीवर भी बने और पुलिस की सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर का लाइन लगवा दिया स्मार्ट वैल्यू में. कैसे? जब घर के लगातार घर में प्लान जो किया, मम्मी भी देखो कोई भी चीज की लालच को ज्यादा दिन ये करना अवॉइड करना तो मुश्किल है. रोज प्लान जो है मम्मी झाड़ू लगा रहे हैं. अचीवमेंट फॉरेन ट्रिप एसबीएल थाईलैंड सिंगापुर फाइव स्टार रेडिसन होटल शिमला. मम्मी सुन तो नहीं रहा है अभी किसके मन में ये चीज की ख्वाहिश नहीं है कि मैं घूमने जाऊं, मैं अचीवर बनूं, मैं स्टेज पे चलूं. मरने की पहले दिन तक लोगों को ये ख्वाहिश रहता है. हेलो समझ आ रहे नहीं आ रहे? yes. तो माय डियर फ्रेंड्स घर में प्लान जो एसोसिएट की घर घर में प्लान जो ऑर्गेनाइज करो. रोज सुबह निकल जाओ, आने की कोई जरूरत नहीं है. अगर एसोसिएट या लीडर्स को मीट करना है काउंसिलिंग रात के 8 बजे के बाद. सब लोग अपने अपने काम निपटाया, शाम को आया लीडरशिप मीट हुआ, एक दूसरे का रिपोर्टिंग किया सीनियर को. आज मैंने ये प्लान जो किया, ये फीडबैक, ये रीफीडबैक में किया, ये फॉलो थ्रू किया. कल मेरा ये एक्टिविटी है, आधा घंटे घंटे ग्रुप में मिल गया, रात को अपने अपने घर चले. हेलो समझ आ रहे? yes. हेलो समझ आ रहा है? yes. ये करेंगे? yes. अगर सच में स्मार्ट वैल्यू से करियर बनाना है, देखो ये तो सिर्फ ख्वाहिशें रखने से नहीं होगा. एक दिन आप लोग जैसा बनेंगे कभी नहीं बनोगे अगर हम लोग जो किया है वो फॉलो नहीं करोगे. हम लोग को देख के नहीं बनोगे, वो फालतू की आस लगा के बैठे रहो. अगर हम लोग का जैसा बनना है तो पहले आपने आपको कमिटमेंट लेना है कि पर डे मार्केट में जगह कम से कम 2 फीडबैक 2 प्लान शो करके आऊंगा. दिन में 10 घंटा फील्ड में मेहनत करके आऊंगा. 100% ऐसा अगर करोगे तो अगले 3-4-5 साल में आपकी सक्सेस तय है और नेक्स्ट 5 साल में मिलेनियर बनना करेंगे. और गुरुकुल में बैठे रहेंगे, हफ्ते में 2 प्लान शो करेंगे, हफ्ते में 3 फीडबैक करेंगे, अगले 10 साल लगा दो कुछ नहीं हो सकता. लीडर जैसा टीम वैसा. आपकी टीम कितना मेहनत करेंगे, आप अगर 100 करोगे टीम 40 फॉलो करेगा. आप अगर 2 घंटा सोओगे दिन में तो टीम 6 घंटा सोएगा और आप अगर 8 घंटा काम करोगे तो टीम 4 घंटा करेगा. पॉजिटिव डुप्लीकेशन आधा से भी कम होता है और नेगेटिव डुप्लीकेशन 3-4 गुना हो जाता है. ये सारे खेल लीडरशिप का है. मैं हर बार बोलता हूँ गाड़ी का इंजिन हम लोग है. अगर तेजस एक्सप्रेस है हम इंजिन तो डब्बा भागेगा 150 किलोमीटर की रफ्तार में. बुलेट ट्रेन है 300 किलोमीटर की रफ्तार में. मालगाड़ी है तो 20 किलोमीटर की रफ्तार में. खेल इंजिन का है. तो करेंगे हम लोग ऐसे? yes. मजा नहीं आ रहा करेंगे? yes. तो अपना प्रेजेंटेशन जो है 1-to-1 प्लेटफॉर्म जो है एवरी वीक एवरी डे कम से कम 2 फीडबैक रोज का 2 STP रोज का काम मेरा रोज का. हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? yes. और सुबह सुबह निकल जाना है लंच करने के लिए. वर्किंग लंच कोई भी नौकरी करने वाला आदमी ऑफिस जाने वाला आदमी दोपहर में घर नहीं आता खाना खाने के लिए. घर की खाना लेके निकलेंगे क्योंकि घर आना मतलब ड्रेस निकालने को आधा घंटा, ड्रेस निकालते निकालते टीवी देखते देखते आधा घंटा, खाना खाते खाते 45 मिनट, खाना खाने के बाद थोड़ा सुस्ती और 45 मिनट, और वो होने के बाद फिर निकालने को फिर ड्रेस लगा के मोटिवेट करना अपने आप को नहीं होता. सवाल ही नहीं. सारा दिन फील्ड में काम की डिजाइन लेके शेड्यूल लेके निकलूंगा. ज्यादा कोई काम अगर कोई टाइम गैप है तो उस टाइम कॉलिंग करूंगा अपने एसोसिएट्स को. एक पार्क में बैठ के कोई पुराने एसोसिएट के घर चला जाऊंगा, कुछ स्ट्रेंजर करूंगा, या तो कोई जगह पे बैठ के मोबाइल में वीडियो ट्रेनिंग देखूंगा जो यूजुअली घर में देखना नहीं होता है. बट घर नहीं होगा टोटल शेड्यूल बना के देख लूंगा. समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? तो करेंगे इस तरीके से. सेकेंड थिंग दिस इज अबाउट इनवाइटिंग सिंपल कैजुअल नॉन प्रोफेशनल सॉर्ट इनवाइटिंग. क्लियर? इनवाइटिंग क्लियर हुआ? प्लान शो किधर? जहां प्रोस्पेक्ट, जहां प्रोस्पेक्ट. अगर प्रोस्पेक्ट को अपने एसोसिएट के घर में आना इजी है तो घर में करो. जैसे हमारा सारा प्लान शो कब होता है? ज्यादातर प्लान शो कितने बजे होता है?
अभी के कल्चर में 11 बजे शाम को 6 बजे लंच हो, कितना दिन किया, कौन किया, अपने पूरे एक साल में कितना बार किया, एक हफ्ते में कितना बार होता है, महीने में एक आधा बार हो गया कि शाम को लंच हो गया। तो ज्यादातर कंपनी की प्लान तो शाम को ही शुरू होता है दूसरी कंपनी का, हमारा क्यों नहीं होता, हमने एक आदत बना ली 11 बजे। अब 11 बजे जो सीरियस स्टूडेंट है वो तो कॉलेज जाएगा, उसको कहाँ मिलेगा, अभी फिर संडे का इंतजार करना पड़ेगा। क्या मेरा बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो ये कल्चर को बदलना है। 11 बजे जो स्थिति होता है पूरे गुरुकुल में, एक आदमी रहेगा जरूर काफी है, 5 आदमी कंट्रो करने आता है सोलापुर के, 5 आदमी को कंट्रो करना आता है, कुंता को सिरसी को 10-5 लीडर है जिनको कंट्रो करना आता है, वो पांचों का पांचों 11 बजे गुरुकुल में नहीं बैठेगा, एक आदमी बैठेगा, किसी का भी कंट्रो आए वो कर देगा, बाकी 4 आदमी फील्ड में रहेगा। तो समझ आ रहे हैं? समझ आ रहा है? Yes. अगर हम शाम को कंट्रो करना शुरू करेंगे एसोसिएट के घर पे, शाम को कभी भी कोई लड़की गुरुकुल में आके प्लान नहीं देखेगा, ना हम लोग अलाउ करेंगे। बट एक लड़की शाम को 6 बजे ट्यूशन नहीं जाती है? ट्यूशन को तो जाती है। एक लड़की यूजुअली जो कॉलेज का स्टूडेंट है उसको ट्यूशन से घर आने में कितना टाइम हो जाता है? 7:30 होता है। तो आज के दिन में थोड़ा सिटी एरिया में तो वो बड़ी तकलीफ नहीं है। तो कोई अगर लड़की एसोसिएट है उसको अगर मैं बोलता हूँ कि तुम अपने घर पे 5 बजे प्लंच ऑर्गेनाइज करो, 5 से 6:30 प्लंच हो, खुशी खुशी लड़की 7 बजे घर पहुंच सकते हैं, कोई तकलीफ है? हेलो, समझ आ रहा है? Yes. तो कोई लड़की के लिए थोड़ा इजी भी हो जाता है, कहाँ जा रहा है, ये तो मेरा सहेली इसके घर जा रहा हूँ। हेलो, समझ आ रहे? Yes. तो प्रोस्पेक्ट मिलना हमारे लिए आसान हो जाएगा, प्लंच हो ज्यादा से ज्यादा होगा, लोगों को ट्रेवल कम करना पड़ेगा, कम समय में ज्यादा जगह में प्लंच हो कर सकते हैं। तो समझ आ रहे? Yes. एक एसोसिएट अगर हॉल पे लाने के लिए वो अगर 20 इनवाइटिंग तक ला सकते हैं हॉल या गुरुकुल तक, उसको अगर हम ये छूट दे देंगे तो जहां प्लान शो करना चाहता है वहां कर, जिनको हॉल तक ला सकते हॉल पे लाओ, जो पड़ोसी है उनको घर पे बुलाओ। हेलो, समझ आ रहे? हेलो, yes. समझ आ रहा है? Yes. तो देखना वो ज्यादा इनवाइटिंग कर लेगा। तो अभी से ये कल्चर हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 90 दिन बचा हुआ है। इन 90 दिनों में हमें अपने अचीवमेंट, हमारा बोनस, हमारा नेशनल ट्रिप ऑफर, ये सब कुछ निकालना है, और उसके लिए नंबर ऑफ प्लान सबसे पहले ज्यादा होना है। तो करेंगे हम लोग? Yes. करेंगे? Yes. रिटेल कब कराएंगे, फ्रेश सेल कब कराएंगे? एक एसोसिएट ज्वाइनिंग करने का बाद पहला 2-3 महीना रिटेल लेंगे, पहले उसको टीम बना लेंगे। रिटेल कब जरूरत है, पूरा टीम बनने का बाद, शुरुआत में उसकी लिस्ट बिल्डिंग से फ्रेश सेल, क्योंकि लिस्ट बिल्डिंग से जो इनवाइट करने का एटीट्यूड है वो पहला 2-3 महीने लोगों का अंदर रहता है। 3 महीना चला गया तो लिस्ट बिल्डिंग नर्मदा नदी में, गोदावरी में। तो लोग समझ आ रहे हैं? नहीं आ रहे? Yes. और उससे प्लान दिखाना, इनवाइटिंग कराना मुश्किल हो जाता है। शुरुआत के 3 महीना जितना हो सके 50-60-70-80 इनवाइटिंग, कम से कम 15-20-25% ज्वाइनिंग, शुरुआत का जितना ऑफर, 3 ज्वाइनिंग पे से नेशनल ट्रिप ऑफर, 5-star dinner ऑफर, 1 स्टेट पे ये ऑफर, 2 स्टेट पे शिमला ऑफर, ये सारे उसको पहले अचीव करा देना है, शुरुआत के सारे ऑफर। समझ आ रहे? Yes. समझ आ रहे? Yes. जब 3 महीना बाद वो बोलना मेरे पास और लिस्ट नहीं है, टीम भी बन चुका है, चल अब थोड़ा खुद रिटेल कर और टीम से इनवाइटिंग निकाल। हेलो, समझ आ रहे? Yes. हेलो, समझ आ रहा है? Yes. ये ज्यादा हेल्दी मॉडल है, ग्रोथ स्टेबिलिटी। और रिटेल का मजा भी तो तभी उसको आएगा जब उसके पास कोई टीम होगा। खुद रिटेल करेगा तो ज्यादा चलता रिटेल क्लब अच्छी बात, 500 माइल खुद रिटेल करेगा, महीने का 15,000-20,000 रिटेलिंग इनकम, 25,000 रिटेलिंग इनकम। रिटेल का मजा कब आएगा, जब मेरे पास 200 एसोसिएट है, 500 एसोसिएट है, और सारे एसोसिएट 10 माइल वीकली रिटेल करता है, 500 एसोसिएट इनटू 10 माइल्स 5000 माइल्स वीकली रिटेल माइल्स, 5000 माइल्स मतलब 50 DD, यानी 5 स्टेप वीकली सिर्फ रिटेल से। हेलो, समझ आ रहे? Yes. 10-12,000 रुपया वीकली इनकम फ्रॉम रिटेल, टीम रिटेल, तो महीने का 50,000 इनकम फ्रॉम टीम रिटेल, फ्रेश सेल छोड़ तब मजा आएगा। हेलो, समझ आ रहे? करेंगे? Yes. तो करेंगे? Yes. ये प्लान शोस तब एसोसिएट की घर घर में करवाएंगे। Yes. सुबह, दोपहर, शाम, एसोसिएट की फैसिलिटी के अनुसार। मैंने ऐसा बहुत जगह पे प्लान शो किया, रात का 11 बजे प्लान शो स्टार्ट हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं क्या, वो लोग बोला दादा हम तो कॉलेज करेंगे ट्यूशन, उसके बाद ट्यूशन है, उसके बाद हम लोग का शाम को पार्टी है, अगर प्लान आपको दिखाना है तो रात को 11 बजे फ्री है। बोला लक्ष्मी आ रहा है, हम कहीं को छोड़े, चल भाई 11 बजे बैठेंगे।
हेलो समझ आ रहा है yes. जॉब होल्डर 9 बजे 9:30 बजे प्लान छो, दुकान बंद करने के बाद फोटोग्राफी का स्टूडियो बंद करने के बाद प्लान सुनेगा रात को 9:30 बजे से, कोई बात नहीं, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें देना है लोगों, क्लियर yes. नहीं आना पैसा क्लियर yes. हाउस वाइफ को प्लान दिखाना है, हाउस वाइफ का सबसे कौन सा टाइम अच्छा है, दोपहर, क्योंकि सुबह उनको किचन रसोई सब रहता है, हस्बैंड ऑफिस को जाएगा, बच्चा स्कूल को जाएगा, 11 बजे के बाद हस्बैंड भी घर से बाहर, बच्चा भी स्कूल में, फिर 4 बजे 5 बजे बच्चे घर आते हैं, हस्बैंड को 7-8 बजे लगते हैं, ये जो बीच का उसका टाइम है 11:30 11 से लेके 3:30 4 तक, तो ये टाइम को हमें टारगेट करना है, हाउस वाइफ की जो प्लान होंगे हम ये टाइम को रख सकते हैं, हेलो समझ आ रहे हैं yes. तो इस तरीके से हमें अपना प्लान शो शेड्यूल अरेंज करना है कि कौन सा टाइम किसको देने से ज्यादा प्लान शो हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोई एक कॉलेज में मेरा टीम बन रहा है बट उस कॉलेज में अटेंडेंस बहुत खराब है, करवाए 80% अटेंडेंस नहीं होगा तो एग्जाम में नहीं बैठा बैठ सकते हैं, तो ऐसे लोग कभी 11 बजे प्लान नहीं देखेगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरा सुरजीत तो अधिकारी का जो कॉलेज था उनका एरिया में मैंने कैसे बिजनेस डेवलप किया था, उन लोगों का कॉलेज से कोई छुट्टी नहीं मार सकता था, कॉलेज करना ही, तो हम लोग कॉलेज के ठीक बाजू में एक रूम ले लिया था, मेस स्टूडेंट लोग रहता है, एक को ज्वाइन करवा दिया वहां से, उसने बोला कोई बात नहीं अभी से आप मेरा मेस में प्लान शो कर सकते हैं, कॉलेज 4 बजे खत्म 4:30 बजे से प्लान शो, ताकि लोग कॉलेज से प्लान देख के फिर घर जाए, चलो समझ आ रहे yes. समझ आ रहा है yes. तो इस तरीके से फील्ड में जाके ज्यादा से ज्यादा प्लान शो, दिन में कम से कम 2 फीडबैक कम से कम 2 प्लान शो आप लोगों को करना ही करना है, इसके लिए आप लोग अपने माइंड सेटअप रखें, और ये भी आपके लिए खुशखबरी है जिनको लगता है दादा फीडबैक तो करूंगा लेकिन मेरे को अभी 1-2 डीटी हफ्ते को आएगा, चेक तो नहीं बनेगा, नौका बाद चेक आएगा, चलिए आज के ऑफर में आप लोग के लिए भी खुशखबरी है कि फीडबैक करने जाओ और कैश लाओ, हेलो समझ आ रहा है आपके लिए भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो कोई चीज में ये कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपकी जेब में कभी लिक्विड पैसे की कोई कमी होगी, हेलो समझ आ रहा है yes. पता नहीं समझ आ रहा है yes. तो ये सारे चीज भी कल हम लोगों ने डिजाइन किया जो आप लोगों के लिए सुनिता लास्ट सेशन पे अनाउंस करेंगे, सो दिस इज प्रेजेंटेशन, नाउ प्लान शो कितना टाइम का मैक्सिमम उनमें से कौन सा पार्ट में ज्यादा जोर लगाएंगे, क्योंकि देखो प्लान शो में एक 22 साल का लड़के को वेलनेस स्वास्थ्य पोषक तत्व बीमारी ये सब एक 20-22 साल का लड़का इतना नहीं समझता, सब समझता है बट पहला 1 घंटा की प्रेजेंटेशन में इतना कुछ समझाना पॉसिबल नहीं है, हेलो समझ आ रहे हैं yes. लोनी 150 पोषक तत्व न्यूट्रासिल्टिकल्स इंडियन मलबेरी डिटॉक्सिफाई करता है शरीर से जितना टॉक्सिन है इसको बाहर फेंकता है, एंटीसेप्टिक एंटी एलर्जिक एंटीवायरल एंटी बैक्टीरियल ये सारे फैसिलिटीज, इतना नहीं समझेगा, इतना समझाना है भाई बीमार हो के डॉक्टर के पास जाके सुइया खाना है, दर्द दर्द इसको करना है, 80 साल का जिंदगी 50 साल में समेट देना है, जिंदगी का सारा कमाया हुआ पैसा डॉक्टर के पास देना है, या सही पोषण से जिंदगी सही करना है, कौन सा ज्यादा सही है पोषण, उसके लिए बहुत सारे हमारे पास है। प्रेजेंटेशन की बात जिसको जो जरूरत है उसकी फूड हैबिट कैसा है, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कैसा लेता है, कितना न्यूट्रिशन उसको नॉर्मल खाना से मिलता है कितना नहीं मिल पाता है, उसके अनुसार हम लोग लास्ट में डिस्कस कर देंगे कौन सा हमारा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हमारे फैमिली के लिए ज्यादा सुटेबल है। अब आओ ये जो चीज है ये सही है गलत है, लोगों को ये चीज की मैसेज जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, फोकट पे जाना चाहिए, तू देगा फोकट पे ये देगा तो माल मिलेगा, हेलो समझ आ रहे yes. सो प्रोडक्ट की डिटेल्स में जाना ही नहीं, प्रोडक्ट रेंज बताना है, समझ आ रहे yes. कि न्यूट्रिशन पे हम काम कर रहे हैं, वेलनेस पे हम काम कर रहे हैं, और वेलनेस का हर एक प्रोडक्ट में जाने की जरूरत नहीं है कि कितना प्रोटीन बोला है इतना वजन है तो इतना प्रोटीन लेना पड़ेगा, वो सब समझाने का हमारे पास टाइम है फॉलो थ्रू में वर्कशॉप में, हेलो समझ आ रहे yes. सब सिखाएंगे उसको, बट ऐसा ना सोचे कि 1 घंटे में सब कुछ सिखा देंगे, 1 घंटे में हमारा एक ही टारगेट है एक प्रोस्पेक्ट को इस प्रोजेक्ट के प्रति इंटरेस्टेड करना, इंटरेस्ट तो किससे होगा, हाँ हेल्थ सही में अच्छा चीज है, इनकम बढ़िया चीज है, बोनस जबरदस्त है, फॉरेन ट्रिप माइंड ब्लोइंग,
bike, car, laptop, achievement, time, freedom. I started, wow, ये feeling दे रहा है. Hello, समझ आ रहा है? Yes. Hello, समझ आ रहा है? Yes. एक कभी कोई चीज हम खरीदने जाते हैं, दुकानदार हमें क्या देने की कोशिश करता है? ये कपड़ा कैसा? दो हजार इतना महंगा? अब वो अगर बोलने जाएगा, सुनिए क्यों 2000 है? क्योंकि इसमें इजिप्शियन कॉटन है. इजिप्शियन कॉटन का इतिहास कब से है? 300 साल पहले से. इस कॉटन में क्या यूज किया जाता है? बोर हो जाए सर, बहन को तो एक बार देखो. अब काहे को प्राइस सोच रहे हो? पहनो ना, पहनने से लेना पड़ेगा. कौन बोला? देखो तो सही अपने आप को कैसा लग रहा है, फील. हेलो, समझ आ रहा है? Yes. हमें भी प्लान टू फील कि ये प्रोजेक्ट में काम करने से मैं जबरदस्त पैसा कमा सकता हूँ, सारे सपने पूरा कर सकता हूँ. बाइक, लैपटॉप, कार, बंगले, फॉरेन ट्रिप, स्विट्जरलैंड, रशिया, स्पेन, इटली. हेलो, समझ आ रहे हैं? Yes. इंडोनेशिया, मलेशिया, बाइक, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, इन सब चीज ज्यादा हाईलाइट हो रहा है. हेलो, क्लियर हो रहा है? Yes. क्लियर हो रहा है? Yes. नहीं दादा, मतलब नेटवर्किंग में तो हर कोई ये दिखाता है. नेटवर्किंग में क्यों? पूरी दुनिया तो इसी तरीके से चलता है. हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए. माँ बाप को छोड़ के फॉरेन क्यों जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए. तो पूरी दुनिया में पैसा चाहिए, नेटवर्किंग बोल के नहीं, और पैसे के लिए ही इतना कसरत. कोई अगर बंदे को ये बोल दिया जाए, भाई पढ़ना नहीं है, तेरे लिए 1,00,000 रुपया का रोजगार तय है, उसी दिन किताब गोदावरी नदी पे. हेलो, सही है नहीं है? Yes. सारे पढ़ाई, सारे मशक्कत, सारे सब चीज एक ही काम के लिए, माल, अचीवमेंट, पैसा, सपने, ड्रीम. हेलो, समझ आ रहा है? Yes. ये था, ये है, ये रहे. और इसी के लिए ही आदमी काम करता है. हेलो, क्लियर हुआ? Yes. तो प्लान शो शॉर्ट करेंगे? Yes. शॉर्ट, क्रिस्प, इंटरेस्टिंग. हेलो, समझ आ रहे हैं? Yes. समझ आ रहा है? Yes. ये है प्रेजेंटेशन. तो पहले मैंने बताया लिस्ट बिल्डिंग, याद है? Yes. पकड़ के क्लू दे के करवाना सामने. नेक्स्ट क्या बोला? इनवाइटिंग, शॉर्ट, नॉन प्रोफेशनल, कैजुअल इनविटेशन. नेटवर्किंग बोला तो नेटवर्किंग, बट नेटवर्किंग बोलने का सबसे चार पांच वर्ड लगा था. इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग, जिसकी पूरे भारत देश में रीच है. भारत की 30,00,000 लोगों के अंदर उनकी जिंदगी में एक जबरदस्त चेंज लाने वाला ऑर्गेनाइजेशन. हेलो, समझ आ रहा है? Yes. मोस्ट ऑर्डिनरी घर का लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता देने वाला ऑर्गेनाइजेशन. 17 साल से बेदाग, कोई दाग नहीं है जिसके ऊपर, कोई धब्बे नहीं है. सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करके काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन. हेलो, समझ आ रहा है? Yes. हेलो, समझ आ रहा है? Yes. स्टूडेंट यूथ के लिए सुइटेबल प्लान, प्रोडक्ट रेंज वाला ऑर्गेनाइजेशन. हेलो, समझ आ रहे हैं? Yes. और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम. एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग करना बड़ी बात नहीं है, अगर उस नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग सिस्टम मजबूत है तो वो ऑर्डिनरी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह पे दे सकते हैं. मैं इसीलिए बोलूंगा एक बार देख. तुमने सिर्फ सुना है, भूत है, अभी मैं तुमको भूत दिखाता हूँ. देखने के बाद हो सकता है तो जिंदगी में भूत का मूवी ना देखे, और हो सकता है हॉरर फिल्म का शौकीन बन जाए. हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, yes. समझ आ रहा है? Yes. पर मेरा यकीन है कि देखने के बाद जरूर बोलेंगे कि सच में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं तो इसके बारे में आधा अधूरा ही जानता था. पर मुझे भी ऐसा लगता था प्रेजेंटेशन को देखने के पहले, पर देखने के बाद मेरा भी नजरिया बदल गया. क्लियर? इन्विटेशन समझ आया? Yes. नेक्स्ट इज व्हाट? क्लाइंट शो. कहां पर? जहां प्रोस्पेक्ट है. तो समझ आ रहा है? Yes. जहां प्रोस्पेक्ट है वहां पे जाकर प्रेजेंटेशन, होम प्रेजेंटेशन, पार्क प्रेजेंटेशन, रेस्टोरेंट प्रेजेंटेशन, जहां प्रोस्पेक्ट है वहां पर जाके प्लान. क्लियर करेंगे? हेलो, yes. समझ आ रहे हैं? Yes. और रोज फील्ड में जाके कम से कम 2 प्रेजेंटेशन, 2 फील्ड में चलेगा. Yes. क्लियर? Yes. अब क्लाइंट शो हो गया. नेक्स्ट फॉलो अप, जिसके बारे में ऑब्वियसली सेशन होगा, ये तो कवर करेंगे. राइट, फॉलो अप एक खूब खार वाला एटीट्यूड, पर्सनल निकल के बोल दिया बेशरम वाला एटीट्यूड. हेलो, समझ आ रहा है? यस. अचीवर बनने के लिए आपके अंदर वो एग्रेशन होना जरूरी है. गलत बोलना है जरूरी नहीं है,
लेकिन इंस्पायर करने वाला। अगर मैं यहाँ पर ट्रेनिंग देने के टाइम पे आके ऐसे बोलता, आपको फ्लैट चुप करना है, बिजनेस में बहुत कुछ है, दो मैं टोटली करो ना, कैमरा चाहिए ना, सफल होंगे, गाड़ी मिलेगा, कार मिलेगा, क्यों नहीं करोगे? देखो ना, सब की तरह उम्मीद करते हैं हमसे, करना चाहिए ना। तुम लोग इंस्पायर्ड होते मेरी बातों से? हेलो, समझ आ रहा है? तुम लोग अपने लीडर में किसको देखना चाहते हो? एक जबरदस्त, एनर्जेटिक, जिंदा दिली, स्ट्रॉन्ग, खूंखार आदमी को। तुम्हारे प्रोस्पेक्ट, तुम्हारे एसोसिएट भी तुम्हें उसी इंसान को देखना चाहते हैं। तो आपने एटीट्यूड को ऐसा रखने का। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? आदमी प्लान नहीं देखता है, प्रोडक्ट नहीं देखता, आदमी को देखता है। तुम अगर सही हो, तुम अगर कॉन्फिडेंट हो, तो तुम्हारा टीम कॉन्फिडेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने अंदर ये रखिए, और ये दुनिया के हर अचीवर के अंदर। विराट कोहली को देखा है? जैसा खेलता है वैसा एग्रेशन। सामने इटा, सामने उसका ऑस्ट्रेलिया हो, सामने साउथ अफ्रीका हो, उसको कोई जब कोई कुछ बोल दिया पीछे से विकेट कीपर स्लेसिंग किया, वो भी जवाब दे देता है। तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और वो मैदान में उतरने का पहले न्यूज में उतर जाता है, लड़ाई में पहले ही टेम्पटेड कर देता है। ऑस्ट्रेलिया जाने का पहले बोलता है अभी तो उड़ा के आएंगे ऑस्ट्रेलिया को। वो मजबूर कर देता है कि ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन भी पहले ही नर्वस हो जाए। ये टेक्निकल गेम है, पहले माइंड गेम, देन टेक्निकल गेम। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम भी जब प्लान शो करने जाएंगे, मेरा प्रेजेंस, मेरा एटीट्यूड, मेरा ड्रेस कोड, मेरी तैयारी, मेरा बैठने का स्टाइल, हर चीजों में एक इंप्रेशन मैं सामने वाले के ऊपर छोड़ूंगा कि आज मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट आदमी से मिल गया। हेलो, समझ आ रहे? समझ आ रहे? खुद को, खुद के अंदर बदलाव लाएंगे पहले, देन दुनिया को बदलेंगे ना। मेरा ड्रेस कोड, मेरा एटीट्यूड, मेरा सब कुछ से आदमी को लगने लगा ये बोले वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, बोले तेरा वैल्यू इंप्रूव कर ले मैंने। हेलो, समझ आ रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा प्रेजेंस बहुत कॉन्फिडेंट प्रेजेंस होना चाहिए, राइट? मेरा एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव होना जरूरी है। हेलो, समझ आ रहे? हेलो, समझ आ रहे? और ये काम मुझे रेगुलर करना है। मेन दिक्कत क्या है? व्हाट्सएप के बाद मुझे पता है पहला 7-15 दिन धमाका करो, बट 15 दिन के बाद फिर आपको एक इंजेक्शन चाहिए होगा ऐसा। बट प्रैक्टिकली ये तो पॉसिबल नहीं है। रोज कोहली को जाके कौन मोटिवेट करता है? रोज जाके अरिजीत सिंह को कौन मोटिवेट करता है बेहतर गाना गाने के लिए? आईआईटी के लिए जो तैयारी कर रहा है उसको रोज कौन मोटिवेट करता है? कान में आके तेरे को आईआईटी करना है। गोल अगेन, उसका सपने नंबर वन क्रिकेटर वर्ल्ड का बनने का सपना, इंडिया का नंबर वन सिंगर बनने का सपना, इंडिया का नंबर वन इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का सपना, बॉलीवुड का नंबर वन सुपरस्टार बनने का ड्रीम। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। इंसान और जानवर में तो यही फर्क है, इंसान सपने देख सकते हैं, सपने साकार कर सकते हैं। जानवर जो हालत उसके सामने है उसको बर्दाश्त करना छोड़ के उसके लिए कोई चारा नहीं है। ठंडी लग रही है, इंसान को ऊपर वाले ने ये ताकत दिया है कि तुम स्वेटर बनाओ, जैकेट बनाओ और पहन के ठंडी से राहत लो, तुम इलेक्ट्रिक हीटर बनाओ उससे राहत लो, तुम लकड़ी में आग लगाओ उसकी आग लो, अपने आप को बचाओ। जानवर ठंडा दिया है तो ठंडे में कांपेगा, गर्मी दिया है गर्मी को बर्दाश्त करेगा। बोलो, समझ आ रहा है? बोलो, समझ आ रहा है? वो हालत की मजबूर है, इंसान अपने ही। सो माय डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है गोल को तैयार रखें। एंड गोल की बात, नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं हर बार बोलता हूं, रेगुलर रूटीन। इंडियन क्रिकेट टीम अभी किधर है? कितना दिन रहेगा? 1 month, 4-3 tests, 5 one day, 4 2020 whatever, और वो भी आज एडिलेड, अगले दिन क्वींसलैंड, नेक्स्ट मेलबोर्न, अगला सिडनी, उधर से आके ऑस्ट्रेलिया से आके घर में जाएगा, पॉपकॉर्न खाएगा, वो उसको लेके घूमने जाएगा, विराट कोहली अनुष्का को लेके, ओ मेरे स्वीटी, मेरे क्यूटी, चल घूमते हैं पार्क में, करेगा?
आखिरी आईपीएल कब से शुरू है? आने का साथी आईपीएल, आईपीएल कितना दिन चलेगा? ये दो महीना सब प्लेयर अपना घर पे रहेगा, तो कोहली दिल्ली में बैठेगा, लड्डू खाएगा। आज होम मैच बैंगलोर, कल अवे मैच कलकत्ता नाइट राइडर्स, अगेन होम मैच बैंगलोर, अगला मैच डेक्कन चार्जर्स, अगेन इधर फिर राजस्थान रॉयल्स। हर दो दिन में ये शहर वो शहर, ये शहर वो शहर, सही है? आईपीएल खत्म होने के बाद वर्ल्ड कप या क्या वन डे, कौन सा टीम का साथ? कोई ना कोई टीम का साथ। देखो अभी मारो, नेक्स्ट वन ईयर शेड्यूल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम दे देगा। आफ्टर आईपीएल मे बी एशिया कप, मे बी ट्राई सीरीज, मे बी श्रीलंका दौरा, मे बी वॉट एवर, कोई ना कोई टूर्नामेंट है सात से दस दिन के अंदर। हेलो समझ आ रहे हैं? हेलो समझ आ रहा है? वो खत्म हुआ, फिर अगला शुरू। वो खत्म हुआ न्यूजीलैंड ट्रिप या वेस्ट इंडीज ट्रिप, वो खत्म हुआ अगले साल का आईपीएल, अगला साल दो साल का कैलेंडर तैयार है। शाहरुख खान के लिए अगला 10 मूवी कौन सा करेगा, साइन अप हो गया है, शूटिंग का डेट फिक्स है। अंबानी के लिए अगले 5 साल क्या बिजनेस करेगा, फिक्स है। हमारे लिए अगले दिन क्या काम करेंगे, उतना तो फिक्स होना चाहिए। बड़े आदमी लंबे सोच, लंबा प्लानिंग, छोटे आदमी छोटा प्लानिंग, कि कल सुबह 9 बजे फर्स्ट वॉल थ्रू, 11 बजे प्रेजेंटेशन, 1 बजे लंच, 2 बजे से रीफीडबैक, 4 बजे सेकेंड एसटीपी, 7 बजे पेरेंट फीडबैक, रात को घर आके सेल्फ डेवलपमेंट। ये करना जरूरी है, एवरी डे पिछले दिन का रूटीन लिखना, मैं रिपीट करूंगा और हर बार मैं करूंगा, क्यों? यही फॉर्मूला है सक्सेस। इसी तरीके से हम लोग अपने रूटीन बनाते हैं, इसी तरीके से मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ। मैं मानता हूँ आज मैं भी 15 दिन काम नहीं करूंगा ना, आवाज नहीं निकलेगा। मैं अगर 10 दिन 15 दिन मार्वेलू फोर बेसिक से बाहर हूं, मेरे ट्रेनिंग की जो धार है वो नहीं रहेगा, रेगुलरिटी। 3 महीना कोई क्रिकेट प्लेयर ऑपरेशन के लिए बाहर रहेगा, आके ही वो आपने क्रिकेट नहीं खेल सकता है, 15 दिन उसको दोबारा नेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फ्लो, रेगुलरिटी। हेलो समझ आ रहा है? Yes. समझ आ रहा है? Yes. So, my dear friends, डेली रात को अपना रूटीन लिखने का, अगले दिन क्या काम है, इसका एडवांटेज। हमारे जो मूड है, जो मैं हर बार ट्रेनिंग में बोलता हूँ दोबारा बोलूंगा, हमारा ये जो मूड है ये हमारा काबू में नहीं है। सुबह उठ के मन कैसा रहेगा तुम्हें भी नहीं पता, तुम्हें रात को नींद कैसा आएगा ये भी तुम्हें नहीं पता, रात में कैसा सपने आएंगे। हेलो समझ आ रहे हैं? Yes. सुबह उठ के कोई दिन बहुत एक्साइटेड पॉजिटिव, कोई दिन उठने के साथ साथ कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। ये अजीब सा लगना भी परमानेंट नहीं है, 1 घंटे बाद वो भी चेंज हो जाएगा। कोई ट्रेनिंग वीडियो, कोई 2 मिनट का किसी का वीडियो, कोई अपाहिज आदमी बहुत कुछ जिंदगी में किया, कोई नोबेल प्राइज मिला किसी को, कोई स्पोर्ट्समैन को कुछ हुआ, फटाक से वीडियो देखा, फटाक से चार्ज, क्या यार जिंदगी में जिनकी बस कुछ नहीं है वो कैसा आगे बढ़ रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा करके हमारे मूड हर घंटे बदलते रहते हैं, मूड के हवाले खुद को छोड़ देंगे तो मूड हमें ऑपरेट करेगा नहीं, हमें अपने मूड को ऑपरेट करना है, उसके ऊपर हमें भारी होना है। इसलिए मैं अपने काम पहले से फिक्स करके रखूंगा और खुद को यह बोल के रखूंगा, मूड हो तो भी करूंगा, मूड नहीं हो। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने का पहले खुद को पूछता नहीं, आज मूड है क्या ऑपरेशन करेगा, पेशेंट पति को डेट दिया हुआ है कल 6 बजे ओटी बुक है, एनेस्थेसिस्ट फार्मासिस्ट नर्स सब टीम तैयार है, मूड है तो भी करेगा, मूड नहीं है तो भी करेगा। शाहरुख खान सुबह उठ के पूछता नहीं है क्या रे मूड है शूटिंग करेगा, प्रोड्यूसर पहुंच गया, सब लोग पहुंच गया, प्लॉट बुक है, म्यूजिक सिंह आ चुका है, डायरेक्टर रेडी, प्रोड्यूसर रेडी, टीम रेडी, मूड की सवाल ही नहीं है। कोहली सुबह उठ के खुद को बोलता नहीं क्या रे मूड है क्रिकेट खेलेगा, 70,000 लोग देखने के लिए आए हैं, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? पायलट रोज सुबह खुद को नहीं पूछता क्या रे एरोप्लेन चला गया क्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी ए प्रोफेशनल, ये हमारा प्रोफेशन है, ये हमारा जीविका है, ये जीविका से भी बहुत बड़ा ही कुछ है। जीविका रोटी रोजी देता है, प्रोफेशन से लोगों को वक्त की पेट भरता है, प्रोफेशन से लोगों को फॉरेन ट्रिप नहीं होता है, नॉर्मल प्रोफेशन से टाइम फ्रीडम नहीं होता है, नॉर्मल प्रोफेशन से आदमी सेलिब्रिटी नहीं होता है। तो ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, उसके बाप है परदादा है, रोटी रोजी नहीं, उससे आगे बहुत कुछ रहता है। तो एक आदमी अपने जॉब के प्रति जितनी कमिटेड है, अपनी दुकान के प्रति जितनी कमिटेड है, उसे कहीं को ना ज्यादा कमिटेड हमें अपने बिजनेस के प्रति होना चाहिए।
क्योंकि नॉर्मल प्रोफेशन से बहुत कुछ ज्यादा देने वाला ये सिस्टम। लो समझ आ रहा है? यस। समझ आ रहा है? यस। आखिर में ये सीरियसनेस और ये आएगा डेली रूटीन से, डेली रूटीन से। रूटीन जब आप बना लोगे तो सबसे पहले आपने खुद को कमिट कर दिया कि मैं कल सुबह से रात तक इसमें बिजी हूँ। बीच में फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, दोस्त का फोन आया, गर्लफ्रेंड ने मिलने के लिए बोला, पॉसिबल नहीं है। अब बोलोगे देख कल मेरा ये काम तय है, डिसाइडेड है, कमिटेड, और मैं एक बार किसी को कमिट करता हूँ, ये मेरा रसूल है, ये मेरा प्रिंसिपल है। तेरे को घूमने जाना है, एक काम कर फ्राइडे टाइम पर, उस दिन मैं शाम को फ्री रखता हूँ, सुबह से काम कर लूंगा। बोलो समझ आ रहे? Yes. दोस्त बोला अरे यार तू मिलेगा नहीं, कितना दिन नहीं मिला। हाँ 100% मिलूंगा, काम कर, अगर मिलना है अगर सैटरडे को टाइम कर, मेरा क्लोजिंग डेट होता है, पूरा डीडी वीडी सब कुछ जमा करके शाम को आता हूँ 7 बजे सैटरडे। एवरीथिंग विल बी प्लान, दोस्तों से भी मिलना होगा, गर्लफ्रेंड को भी टाइम दे पाएंगे। धार्मिक अपने नमाज भी होएगा, मंदिर भी जा सकते हैं, पापा को भी टाइम दे सकते हैं, और बिजनेस की काम भी कर सकते हैं जब आप रूटीन पे चलोगे। और जब रूटीन पे नहीं चलोगे, रोज सूरज उगलेगा, रोज सूरज डूबेगा, रोज शाम सुबह होगा, कैसे भी रोज शाम हो जाएगा, कैसे भी हफ्ता निकल जाएगा, महीना निकल जाएगा, क्वार्टर निकल जाएगा, साल निकल जाएगा, जिंदगी निकल जाएगा, मैं वहीं के वहीं रह जाऊंगा। और बाद में जब एनालिसिस करूं क्यों मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, तो आप समझोगे कि जिंदगी को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए था एक प्लान। ये बिल्डिंग बनने का पहले क्या बना था? प्लान। कैसा प्लान बना? कौन बनाया था? आर्किटेक्चर। कैसे बनाया था? 10x5, इधर पिलर, नीचे 20 इंच, ऊपर 15 इंच, ये 10 डिग्री एंगल, इधर 16 इंच मोटा रॉड, इधर 5:4:2 में सीमेंट बालू रॉड, सारे बारीकी से बारीक डिजाइन। हेलो समझ आ रहा है? Yes. समझ आ रहा है? Yes. और ये अगर आर्किटेक्चर नहीं बना के हम तो बनाए होते, ये टेरा, ये लग रहा तो होता नहीं होता। Yes. एक बिल्डिंग बनाएगा उसके लिए कितनी डिटेल प्लान, बिल्डिंग, और यहां पर लाइफ बिल्डिंग, जिंदगी बिल्डिंग, कैरियर बिल्डिंग, सपने का निर्माण, मेरा अपने का, मेरे परिवार का, मेरे आने वाला पीढ़ी का, कितने डिटेल प्लानिंग होना चाहिए, समझ रहे? हर आधे घंटा के कितना बारीकी से प्लान होना चाहिए। हेलो हेलो समझ आ रहा है? हेलो yes. समझ आ रहा है? yes. एक डायरेक्टर जब एक बेहतरीन फिल्म बनाना चाहता है, उसका डिटेलिंग कैसे होता है? एक्टर 10 आदमी को देख के एक को सिलेक्ट करेगा, एक्ट्रेस पूरा छानबीन के एक को सिलेक्ट करेगा, सिंगर बेस्ट ऑफ द म्यूजिशियन टॉप म्यूजिशियन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर इंडिया का बेस्ट डिजाइनर, प्लॉट वर्ल्ड की सबसे सुंदर जगह। तो वो समझ आ रहे हैं? Yes. कितनी बारीक काम करता है तब एक फिल्म परफेक्शन की जगह पर जाता है। एक फिल्म जिंदगी का फिल्म कितनी परफेक्शन चाहिए। तो समझ आ रहा है? Yes. समझ आ रहा है? Yes. So my dear friends, come on. अभी तक हम स्मार्ट डेवलप कर रहे हैं, नॉट एज अ प्रोफेशन, नॉट एज अ प्रोफेशनल, बहुत कैजुअल अप्रोच से करते हैं। संभावना है, असीम है, पोटेंशियलिटी पूरी है, बस जरूरत है अप्रोच उचित है। तो प्लीज इसको कीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं, मैंने देखा हूं, और हम लोग पूरे इंडिया में ऐसे टीम को हैंडल करते हैं। आपके सामने आज सेमिनार करेंगे, कल मेरा ऐसा ही 1000 लोग सामने रहेगा अहमदाबाद में, अहमदाबाद से जाऊंगा अगले 2 दिन बाद ऐसे ही गुवाहाटी में मिलूंगा लोगों से। अरे मैं पता है लोग ऐसे ही हैं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा, ये मैं दावे के साथ आपको बोल रहा हूं, पूरे इंडिया में आपको जो लीडरशिप मिला है, लीडर लाइक प्रीतम दास, लीडर लाइक जितेंद्र पिंजरकर, लीडर लाइक प्रशांत केने, लीडर लाइक अविनाश कदम, लीडर लाइक रवि, लीडर लाइक आकीब तालीस, ये जो सारे मैं सबके नाम में भी नहीं बोल पाया मैं, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, बट इतना मैं बोल रहा हूँ, ये जो आप लोगों की पूरी लीडरशिप है, इतनी ग्रामेटिकल, उतनी नॉलेजेबल, उतनी पैशनेट, उतने ही ईमानदार, उतने ही जबरदस्त रिलेशनशिप मेकर, उतने ही जबरदस्त एजुकेशन लेवल, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा एथिकल टीम, लीगल प्रॉब्लम जिनमें कम से कम रिफंड प्रॉब्लम है नहीं, आउट एंड आउट ऑनेस्ट एंड एथिकल बिजनेस होता है, क्वालिफाइड एजुकेटेड लोगों की टीम बनता है, ऐसे टीम में दावे के साथ बोलूं पूरे इंडिया में मैंने बहुत कम देखा है।
नहीं, कुछ भी अतिरंजन नहीं, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बोलने का नहीं, ये मेरा दिल का जो बोलना है। मैं यहाँ आता हूँ बोलने के लिए भी नहीं, बहुत कुछ सीखने के लिए। जब मैं डिस्कस करता हूँ जीतू से, मुझे नया आइडियाज मिलता है, दे आर सो क्रिएटिव। मैं जब प्रीतम से बैठता हूँ, आई गेट लॉट ऑफ न्यू आइडियाज। ये इतने क्रिएटिव लोग हैं, ये इतने डूबे हुए रहते हैं बिजनेस में। कम ज्यादा बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, जिंदगी का हिस्सा है। हम लोगों ने बहुत देखे, 6 महीना पहले जिस टीम का सेल ज्यादा था 20, जस्ट 3 महीने के अंदर उसी टीम जम के 120। बहुत देखा। जो लीडर आज प्लैटिनम बनने की स्ट्रगल कर रहे हैं, 3 साल में वो लीडर डायमंड अचीव। बहुत देखे। हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? 14-15 साल में बहुत देखे ऐसा। तो ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। जो प्लेयर है, जो राहुल द्रविड़ है, मैं बार बार बोलता हूं, फॉर्म इज टेम्पोररी बट क्लास इज परमानेंट। तो आपकी लीडरशिप के पास क्या है? क्लास। राहुल द्रविड़ क्लास, जो एक आधा मैच में फेल कर सकता है, बट ग्रामर इतना स्ट्रॉन्ग है, वो लंबा इनिंग्स खेलेगा ही खेलेगा। हेलो, समझ आ रहे? हेलो, समझ आ रहे? यू पीपल आर फॉर्चुनेट इनफ, सो यू हैव गॉट ए क्लासी लीडरशिप। एक क्लास लीडरशिप आप लोग के पास है। बस एक बार आप लोग की दोबारा वो डिसिप्लिन, वो डेडिकेशन, दोबारा एक बार वो मोटिवेशन, वो पैशन, वो पागलपंती, वो जुनून एक बार दोबारा चाहिए। बस हिला के रख दोगे, मेरा गारंटी है, पूरे महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूरा वेस्टर्न एंड साउथ इंडिया में आपके साथ बाजू में तुलना करने वाला कोई टीम नहीं होगा। यू कैन बी द बेस्ट टीम दोबारा। जो सपोर्ट मेरे तरफ से चाहिए, अगर हर महीना मुझे आना है इस एरिया में, मैं हर महीना आऊंगा महाराष्ट्र कर्नाटक में। दिस इज माय कमिटमेंट टू यू। जिस तरह मेरे आने से बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं, बट मेरे से आने से एक एक्स्ट्रा एनर्जी हो सकता है। बिजनेस तो आप ही लोग करोगे, एक्टिविटी तो आप ही लोग करोगे, राइट? तो हम सब लोग आपके साथ है। बस धमाका काम कीजिए। सामने मार्च, एक ही टारगेट। इसकी अभी जो नेशनल ट्रिप होगा वो जबरदस्त होगा, और आपकी बार हमारा बार। ये सर, उस तरीके से काम को आगे लेके जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट, बोनस, टीम, फीन, सब चीज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसफुली। थैंक यू।